नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। लखीमपुर खीरी नीमगांव क्षेत्र में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं। एक बार फिर चोरों ने क्षेत्र में चोरी की घटना को दिया अंजाम। थाना नीमगांव क्षेत्र के लाहनपुर तिराहे पर चोरों ने 5 दुकानों में नकाब लगाकर लाखों का सामान किया पार। साथ ही पान के खोके को तोड़कर निकाला सामान। दो थानों की सीमा पर हुई घटना। 3 दुकानें थाना मितौली क्षेत्र में आती हैं। 2 दुकानें थाना नीमगांव क्षेत्र में आती हैं। मजे की बात तो ये है कि एसपी संजीव सुमन ने पूर्व थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार को चोरी की घटनाओं पर अंकुश न लगाने के कारण ही लाइन हाजिर किया था। बावजूद नए थाना अध्यक्ष भी चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र में अमर फिलिंग स्टेशन नेशनल हाईवे निकट ग्राम पंचायत कुलछा खुर्द के समीप अज्ञात डीजल चोरों ने पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर सुनील कुमार को गोली मार दी, जिनकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सवेरे 4 बजे टायर लॉटेड वाहन रामपुर की दिशा से आकर पेट्रोल पंप के सामने रुका था। ट्रक चालक विनोद कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पंचायत बावली जिला बागपत नींद के कारण गाड़ी में सो गया। इसी दौरान डीजल चोरों का एक सफेद रंग का वाहन सड़क पर आकर रुका, जिसकी सूचना पेट्रोल पंप के चौकीदार बिक्की शर्मा ने मैनेजर सुनील कुमार को दी। मैनेजर सुनील कुमार और चौकीदार अपने साथियों को लेकर रोड की तरफ बढ़े कि डीजल टैंक से तेल चुराने का प्रयास कर रहे बदमाशों ने सुनील कुमार पर फायर कर दिया और पूरब की दिशा में अपना वाहन लेकर फरार हो गए। गोली लगने से सुनील कुमार लहूलुहान हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से मीरगंज सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति के कारण बरेली भेजा गया, जहां जिला अस्पताल पहुंचने पर सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मैं मेरे को दवाई ली, मैंने दवाई लेकर चक्कर आ गया, अंधेरी आ गई। अंधेरी आने के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं, मैं यहाँ गाड़ी लगा कर सो गया। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बागपत। कहाँ से गाड़ी लेकर चले थे? दिल्ली से। इसी पंप आकर रुके थे? हाँ जी, चक्कर आ गया, अंधेरी आ गई, दवाई ली, मेरे को कुछ दिखाई दिया नहीं, मैं यहाँ पे लगा कर लौट गया। आपका कोई नुकसान हुआ गाड़ी में? नहीं, मेरा मीटर प्लेट खोल रखी थी डीजल टंकी की। उन्होंने सोचा ये हम लोग पकड़ने आ रहे हैं या हम पे हमला करने आ रहे हैं, फिर उन्होंने जवाबी फायरिंग में फायर झोंक दिया था। अच्छा, ये घटना किस समय की है? करीब 4:30 बजे के बाद। अच्छा अच्छा, सुनील जी को कहाँ ले जाया गया था? पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, फिर वहाँ से बरेली रेफर कर गया था। अच्छा अच्छा, गोली कहाँ लगी थी उनके? गोली अभी ये पता नहीं लगा कहाँ लगी है, अब वहाँ से आएंगे तभी जानकारी मिलेगी। ठीक। आज दिनांक 28 जुलाई 2022 को थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम कुलछा में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर अपने दो सहकर्मियों के साथ सड़क के बाहर खड़े हुए एक ट्रक में कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही थी, जिसमें उनका कहना है कि एक गाड़ी से कुछ बदमाश आए थे और जो सड़क के बाहर खड़े हुए ट्रक से तेल चोरी कर रहे थे। ये देखने पर इन्होंने अपने दो साथियों के साथ में उन बदमाशों को टोका तो उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जानकारी की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई हैं, शीघ्र ही घटना के डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में महिला की मौत। 3 वर्षीय मासूम अस्पताल में भर्ती। रोड पर भैंस बचाने में ट्रैक्टर से बाइक टकराने से हुआ हादसा। अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखकर लौट रहा था पीड़ित दंपति। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक शकीला उम्र 45 वर्ष का सब हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र में गांव भसेस्याना निवासी है। हादसे का शिकार दंपति बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में शेरपुर के पास हुआ हादसा।
क्या मामला भैया? ये यहाँ से सदन यहाँ से गुलाब पीसे गए थे, हमारी बाजी का लड़का हुआ था तो यहाँ से गुलाब पीसे जा रहे थे, और ये तुम्हारा शेरपुर गांव पड़ता है, यहाँ से जाने के बाद में उधर से क्या बोलते हैं इसे परतापुर से टैंकर आ रहा था, और जैसे उसने क्या नाम है उसमें एकदम टक्कर मारी ना, पिछला साइड मारा तो जो टायर होता है ना पिछला वाला, तो सिर पे कर उतर के एकदम चला गया। जैसे हमने वो रोका, रोकने के बाद में वो भाग लिया, भागने के बाद में हमने थोड़ी से जाने के बाद में आगे पकड़ के वो हमने रोक लिया, रोकने के बाद में वो बोल लगा नो मैं यहीं का हूँ, परतापुर का हूँ, कहीं डरने की बात नहीं है, आप चलो मेरे साथ, और वहाँ से हम बॉडी को इधर गुलाब जी को ले आए। हम लाने के बाद में हमने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस को फ़ोन करा था, बहुत देर से फ़ोन लगा रहे थे, वो फ़ोन पे आई नहीं एम्बुलेंस, दसियों दफे फ़ोन करा था हमने उनके पास, वो दवा दवा फ़ोन कट कर रहे थे हमारे, हमने एक घंटे से ज़्यादा फ़ोन वेट देखा था, जब वो एम्बुलेंस नहीं आई पाई थी हमने अपने बाइक पर लेकर आए थे ऐसे ही। जय विहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी, पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसदास महाराष्ट्र के दौरे के बाद पहुंचे अयोध्या। जगतगुरु परमहंसदास का दावा, समाजसेवी अन्ना हजारे और फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम का किया समर्थन। जगतगुरु परमहंसाचार्य का बयान, लगभग 60 करोड़ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम से अब तक जुड़ चुके हैं। 7 दिसंबर 2023 तक 100 करोड़ लोगों को मुहिम से जोड़ने का है लक्ष्य। 7 जून 2023 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के लिए परमहंस करेंगे आमरण अनशन। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने व्यापक स्तर पर आंदोलन की घोषणा की। राष्ट्र घोषित करने के लिए सबसे पहले हमने ही शुरू किया था, हमसे पहले कोई संगठन अथवा कोई धर्माचार्य हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं किए थे, जिसको लेकर के हमने 16 दिन तक आमरण अनशन किया था। इसके बाद हमने जल समाधि की घोषणा किया था, फिर हमसे वक्त मांगा गया तो हमने घोषणा किया 7 नवंबर 2023 तक नहीं होगा तो फिर मैं आमरण अनशन करूंगा। तो 2023 7 नवंबर से जो हमारा आमरण अनशन है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, उसको लेकर के मैं देश के कोने कोने जा रहा हूं और सबसे समर्थन ले रहा हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार हम महाराष्ट्र जो वीर शिवाजी की भूमि है वहाँ गए, तो मुकेश खन्ना जो महाभारत में भीष्म पितामह बन चुके हैं, शक्तिमान का रोल कर चुके हैं, उन्होंने जो है बड़ी बेबाकी से हमारा समर्थन किया। और वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा जब तक जीवन है हम आपके समर्थन में हूँ हिंदू राष्ट्र। फरुखाबाद के विकास खंड शमसाबाद के ग्राम पंचायत समसपुर भिखारी के मजरा ललौरा में कुछ दबंगों का तालाब पर अवैध कब्जा, तालाब में कचरा डालकर तालाब को विलुप्त करने की जा रही कोशिश। एक तरफ सरकार ने तालाब का सुंदरीकरण की योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, दूसरी तरफ दबंगों के सामने जिम्मेदार बेबस नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक बार क्षेत्रीय लेखपाल ने तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए दबंगों को निर्देश दिए थे कि तालाब को कब्जा मुक्त कर दें, फिर दबंगों के सामने सभी जिम्मेदार बेबस हो गए और तालाब अपनी बदनसीबी पर आज भी रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार कचरे से गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रहा है। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। राजस्थान के जनपद बारा में जहां एक ओर जननी सुरक्षा व छात्रों की पढ़ाई पर राज्य सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं सिस्टम की खोट के चलते गांव में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उन जननी को लहरों में हिचकोले खाते हुए चिकित्सालय की चौखट तक जान जोखिम में डालकर पहुंचना पड़ रहा है। गांव की सच्चाई को रूबरू बयां करती ये डीबी भारती की खास रिपोर्ट। जी हां, अट्रू सर्किल के कवाई कस्बे में महज 5 किलोमीटर दूरी पर छिपापडोद तहसील क्षेत्र हांघोनिया गांव के ग्रामीण महिलाओं व विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर अंधेरी नदी पार कर स्कूल जाने को विवश हैं।
अभिभावक भी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें स्कूल भेजने पर विवश हैं। जब तक उनके बच्चे सकुशल घर लौटकर नहीं आ जाते तब तक परिजन चिंता में डूबे रहते हैं। कई बार शासन प्रशासन एवं क्षेत्रीय नेताओं को ग्रामीणों ने नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर समस्या से अवगत कराया, इसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। घांघोनिया ग्रामीणों ने बताया कि गांव की आबादी लगभग 600 से 700 के करीब है, 420 की वोटर लिस्ट है। कबाई कस्बा घांघोनिया गांव से महज 5 किलोमीटर पड़ता है। छबड़ा छिपाप डोद जाने के लिए यहां से 15 या 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में मेहनत मजदूरी खेती किसानी सहित छोटे मोटे रोजमर्रा के कार्यों के चलते कबाई कस्बा समीप पड़ने से पूरा गांव कबाई कस्बे से जुड़ा हुआ है। घांघोनिया में कक्षा 8वीं तक स्कूल है। कक्षा 8वीं के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए कबाई कस्बे में संचालित स्कूल में दाखिला करवाया है। घांघोनिया से करीब 2-3 दर्जन छात्र छात्राएं रोज घुटने घुटने पानी में नदी पार करके कवाई कस्बे में अलग अलग स्कूलों में अध्ययन करने के लिए आते हैं। कई बार भारी बारिश के कारण नदी उफान पर आ जाती है। बारिश में लिहासी अंधेरी नदी उफान पर होने से गांव टापू बन जाता है। कई बार भारी बारिश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहां कई बार हादसे भी हो चुके हैं, मगर सिस्टम की खोट के चलते आज 75 वर्षों बाद भी गांव जहां का तहां ही है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। लैंड विकास प्रदर्शनी हमेशा की तरह इस बार भी जनपद में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार ये प्रदर्शनी मेला नकाक के स्थान पर देवकाली तिराहा स्थित एक लॉन में लगाया गया है। विकास प्रदर्शनी के डायरेक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने बताया कि मेले में इस बार पहले से अधिक मनोरंजन के साधन लेके आया हूँ, जिसमें टावर झूला प्रदेश व जिले में पहली बार वह भी अयोध्या जिले में लगाया गया, जो मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के झूले बच्चों के खेल के संसाधन उपलब्ध हैं। मेले का औपचारिक शुभारंभ शीघ्र ही नगर विधायक के हाथों से कराया जाएगा। जबकि मेले की जगमग रोशनी से पूरा क्षेत्र रोशन हो गया है। मेले में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग हेतु 3 स्थान बनाए गए हैं, जिससे कि वाहन से आने वाले परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मेले में तरह तरह की दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें फिरोजाबाद की चूड़ियों की दुकान दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहली बात तो यह है कि ये प्रदर्शनी एवं मेला जो नाका पे हड़ताल लगता था, इस बार ये प्रदर्शनी एवं मेला हमारा देवकाली पे लगा है, देवकाली तिराहा पे सीचमन गार्डन में। और प्रदर्शनी में विशेष आकर्षण में आया है टावर झूला, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है, आपके अयोध्या जिले में भी पहली बार लग रहा है वो झूला। और तरह तरह की दुकानें आई हैं, रेस्टोरेंट आए हैं, हैंडीक्राफ्ट आए हैं, पान की दुकानें आई हैं, मीठा पान की दुकानें हैं और चूड़ी की दुकानें हैं, फिरोजाबादी कंगन है, चप्पल की दुकानें हैं, काफ़ी तरीके की नई नई दुकानें हैं। झूले का झूलों में भी काफ़ी चीज़ें नई नई आई हैं। बच्चों के लिए क्या विशेष? बच्चों के लिए बच्चों का झूला है, वाटर बोट है, मिक्की माउस है और बच्चों का चकरी झूला है, बच्चों का ट्रेन झूला है, बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें हैं, बच्चों के लिए भी बहुत साधन लगे हुए हैं। क्या सुन रहा हूँ? वीरेंद्र जायसवाल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल,
हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।